पठारी थाना क्षेत्र की पुलिस ने ग्राम कांकलखेड़ी से चोरी हुई बोलेरो और सोयाबीन को पुलिस ने चोरों सहित पकड़ने में सफलता हासिल की है, जिसमें पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं अन्य चार चोरों को दूसरे मामले में एसटीए पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एसडीओ भी प्रशांत सिंह सुमन ने बताया कि थाना अंतर्गत ग्राम कांकलखेड़ी निवासी डेलन सिंह दांगी पिता पुरुषोत्तम दांगी ने 19 सितंबर को पठारी थाने में अपनी बोलेरो गाड़ी क्रमांक MP14DA 0312 चोरी हो जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें फरियादी ने बताया था कि स्कूल के सामने बने मकान से ताला तोड़कर अज्ञात चोर बोलेरो गाड़ी और 2 क्विंटल सोयाबीन चोरी करके ले गए थे, जिसकी जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई थी। थाना प्रभारी महेंद्र साक्य ने बताया कि गाड़ी के फोटोग्राफ से नंबर और महत्वपूर्ण निशानी आसपास के थानों और मुखबिरों को दे दी गई थी, जिसके आधार पर सागर जिले के राहतगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम खाताखेड़ी के एक मुखबिर ने जानकारी दी कि ग्राम के चोखेलाल अहिरवार के मकान के सामने इसी हुलिया की गाड़ी खड़ी हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर निशानदेही मकान पर दबिश देकर बोलेरो गाड़ी और 4 बोरी सोयाबीन सहित आरोपी 42 वर्षीय चोखेलाल अहिरवार पिता सोमत लाल अहिरवार को गिरफ्तार किया है। विदिशा से आशीष सहेली की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।